हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइल 786। सो फ्रेंड्स, अपनी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 100 फ्री लांसिंग सीरीज की स्किल नंबर 6 को शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप इमेजेस को रिसाइज करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले फाइवर पे देखते हैं कि ये सर्विस कितने लोगों ने वहाँ पे दी हुई है। सो फ्रेंड्स, ये देखें, जैसे यहाँ फाइवर पे मैंने यहाँ पे सर्च किया इमेज रिसाइजिंग, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि देखें 2578 सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो इसमें अभी कंपटीशन काफ़ी लो है, आपको इसके ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप इस कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग बनाएं और आपको इंशाल्लाह तआला ऑर्डर ज़रूर मिलेगा। तो चलें देखते हैं अब आपने ये काम करना कैसे है। इसमें एक्चुअली में क्या करना होता है कि इसमें सिर्फ इमेजेस को रिसाइज करना होता है, मीन्स अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको इमेज को वो इमेज का साइज़ जो है वो बड़ा या छोटा करना होता है। तो चलें देखते हैं अब ये किया कैसे जा सकता है। ये देखें, एक वेबसाइट है pontingcharacters.com। आपने ये वेबसाइट जो है इसको ओपन करना है। इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ यूँ होगा। आपने करना क्या है, जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपने ये यहाँ पे स्टार्ट पे जहाँ लिखा है डिज़ाइनिंग टूल, इसके ऊपर माउस लेके जाना है और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ इमेज रिसाइज ऑनलाइन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ से वो इमेज चूज़ करनी है जिस इमेज का आपने साइज़ जो है वो चेंज करना है। तो पहले हम आपको कुछ इमेजेस दिखा देते हैं जिनका साइज़ हम चेंज करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये इमेजेस हैं, ये देखें, ये कुछ इमेजेस हैं जिनके साइज़ हम आपको चेंज करके दिखाएंगे। तो चलें सबसे पहले ये फर्स्ट वाली इमेज जो है इसका साइज़ आप देख लें और इसकी हाइट और विड्थ जो है, किसी भी इमेज की अगर हाइट और विड्थ आपने चेक करनी हो तो कैसे करते हैं, उस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके तो ये सबसे लास्ट पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से डिटेल्स में जाते हैं और यहाँ पे आपको ये देखें हाइट और विड्थ दोनों मिल जाएंगी। ये देखें विड्थ इसकी कितनी है, 500 पिक्सल, और हाइट कितनी है, 609। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी हाइट और विड्थ दोनों 800 कर देते हैं। इसकी इधर कहाँ कितनी है, विड्थ इसकी 500 है और हाइट इसकी 600 है, तो हम यहाँ पे हम इसकी चेंज करेंगे, कितनी करेंगे, 800 कर देंगे हाइट की और विड्थ की। तो सबसे पहले तो इस इमेज को चूज़ करते हैं, इस पर क्लिक करना है चूज एन इमेज टू रिसाइज, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ से उस इमेज को चूज़ करना है। तो ये हमने इमेज को यहाँ से चूज़ कर लिया, देन इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये देखें नीचे इमेज यहाँ पर आ चुकी है। देन आपने यहाँ पे हाइट और विड्थ यहाँ पे लिखनी है, तो हमने वहाँ पे हाइट और विड्थ देख ली थी। अब हम यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ जो है वो 800 कर देते हैं। तो इसके बाद रीसाइज इमेज पे क्लिक करना है, ये प्लीज़ वेट का मैसेज आपको देगा। उसके बाद कुछ ही देर बाद ये देखें उसने इमेज को कन्वर्ट कर भी दिया और वो यहाँ पर कह रहा है कि योर इमेज कन्वर्ट सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू डाउनलोड, कि आपकी इमेज जो है वो सक्सेसफुली कन्वर्ट हो चुकी है, अब आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं डाउनलोड करने के लिए, और ये देखें फ्रेंड्स ये नीचे डाउनलोड हो रही है। सो फ्रेंड्स, ये अब डाउनलोड हो चुकी है, इसको शो इन फोल्डर करते हैं और चेक करते हैं। ये देखें रिसाइज के नेम से, ये देखें यहाँ पे ये हो चुकी है रिसाइज। अब देख लेते हैं दोनों इमेजेस को। तो फ्रेंड्स ये देखें, एक ये इमेज है जिसको हमने रिसाइज किया था, आप यहाँ से ऊपर से देख सकते हैं कि देखें इसके ऊपर रिसाइज भी लिखा हुआ है। एक ये इमेज है हमारे पास, और जो हमारे पास इसकी ओरिजिनल इमेज थी वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखें आप दोनों में बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं। ये देखें ये जो हमने सबसे जो ओरिजिनल इमेज थी हमारी कन्वर्ट करने से पहले ये वो है, और जैसे ही हमने इसको रिसाइज किया मीन इसका साइज इंक्रीज किया तो ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इसकी हाइट और विड्थ हमने कितनी दी थी, 800। ये देखें पहले ये थी और अब ये काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। इसी तरह अब हम कुछ और इमेजेस को भी कर लेते हैं कन्वर्ट। ये देखें यहाँ पे ये एक इमेज है, इसको हम करते हैं, इसका साइज़ देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, देन डिटेल्स में जाते हैं और यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट देख लेते हैं। विड्थ इसकी 480 है और हाइट 360, तो हम इसकी दोनों चीज़ें हाइट और विड्थ जो है वो 500 कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चूज एन इमेज टू रिसाइज क्लिक करेंगे, देन यहाँ से वो इमेज चूज करेंगे जिस इमेज का साइज हमने इंक्रीज या डिक्रीज करना है। इसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे
आप वो साइज जो है वो लिख देंगे। जैसे ही आप इमेज कोई भी चूज करेंगे तो ये देखिए नीचे यहाँ पे इमेज जो है वो शो भी करवा देती है, ये वाली वेबसाइट जो है वो आपको दिखा देती है कि आप किस इमेज का साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमने हाइट और वेट कितनी दे दी, 500। अब हम रीसाइज इमेज पे क्लिक करते हैं, प्लीज वेट का उसने मैसेज दिया, कुछ ही देर बाद वो हमें डाउनलोड की ऑप्शन दे देगा। तो ये देखें फ्रेंड्स उसने डाउनलोड की ऑप्शन दे दिया, अब यहाँ से हम इसको डाउनलोड करते हैं और ये डाउनलोड हो रही है नीचे। सो फ्रेंड्स इसको शो इन फोल्डर करते हैं और इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखें जो हमने रिसर्च करने के बाद इमेज थी हमारी ये वो है, और इसकी भी ओरिजिनल इमेज जो है उसको भी देख लेते हैं, इसकी ओरिजिनल इमेज ये है। ये देखें फ्रेंड्स इसकी ओरिजिनल इमेज ये है और ये जिसके ऊपर रिसर्च लिखा हुआ है ये इसकी रिसाइज करने के बाद की इमेज है। तो इस तरह आप किसी भी इमेज को इजीली रिसाइज कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं उसका साइज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसी तरह हम किसी और इमेज को भी करके देख लेते हैं। ये देखें एक ये इमेज है हमारे पास, हम इसको भी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसका भी साइज जो है 800 यहाँ पे दे लेते हैं और रिसाइज इमेज पर क्लिक कर देते हैं। प्लीज वेट का मैसेज आ गया है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये भी इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ से हम इसको शो इन फोल्डर करते हैं और चेक कर लेते हैं। ये देखें ये इमेज हमारी रिसाइज करने के बाद हुई है, ये देखें ऊपर लिखा भी हुआ रिसाइज, और जो हमारी ओरिजिनल इमेज है यही वाली उसको भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल इमेज हमारे पास ये थी और जैसे ही हमने इसको रिसाइज किया तो ये हो गई, इसका साइज हमने डिक्रीज किया है। पहले वाली इमेजेस का साइज हमने इंक्रीज किया था लेकिन इस इमेज का साइज हमने क्या किया, हमने डिक्रीज किया। तो इस तरह आप इमेजेस को रिसाइज इजीली कर सकते हैं, किसी भी इमेज को, कोई भी इमेज हो आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं उसका साइज और डिक्रीज भी। तो ये साइज जो है वो आपका क्लाइंट आपको बताता है कि आपने इसका साइज कितना रखना है। तो आप इजीली इस वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है इसके थ्रू यहाँ पे जस्ट मेंशन करते हैं, सबसे पहले आपने इमेज चूज करनी है जिस इमेज का साइज आपने इंक्रीज या डिक्रीज करना है, और इसके बाद आपके क्लाइंट ने आपको जितनी हाइट और विड्थ उस इमेज की गई होगी आपने यहाँ पे लिख देनी है और रिसाइज इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्लीज वेट का मैसेज आएगा, उसके बाद ऊपर यहाँ आ जाएगा तो योर इमेज कन्वर्टेड सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू डाउनलोड, और वहाँ से आप उस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे और अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर देंगे। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी स्किल थी और इसको करके आप इजीली एक मिनट के अंदर आप 10 इमेजेस इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू, और आप एक दिन में काफ़ी डॉलर्स कमा सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप ये काम जल्दी से स्टार्ट करें, ये बहुत ही ईजी और इंफॉर्मेटिव स्किल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्किल है, इस काम को करने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ अपना क्वेश्चन डालें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकें। सो फ्रेंड्स इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल 2786 को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स।